ओवरऑल क्या आपको इंस्पायर्ड किया कि आप ये लीड रोल प्ले करें इस प्रोजेक्ट में? जो ये फिल्म है द हंड्रेड बक्स, और जिसको ये जो ये फिल्म है द हंड्रेड बक्स, इस पर सबसे ज़्यादा, इसमें जो सबसे ज़्यादा इंस्पायर करता है वो मोहिनी का कैरेक्टर है, जो एक लड़की है वो बहुत बिंदास है. लाइक लोगों की निगाह में वो एक ऐसी लड़की है जिसको लोग हीन भावना से देखते हैं, गंदे तरीके से देखते हैं, लेकिन वो अपने आप में बहुत मस्त कैरेक्टर है. अपने आप में बहुत, उसको नहीं लगता कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ या मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ जिससे उसको शर्माने की. और कहीं ना कहीं वो बहुत ही ऐसा कैरेक्टर है कि वो काम लोगों के हिसाब से गलत कर रही है, लेकिन वो अपने इसमें, अपने लाइफ में बहुत ही रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करने वाली लड़की है. लाइक कहीं भी ना इंसाफी नहीं, किसी के साथ में कोई गलत नहीं. तो ये कैरेक्टर अपने आप में बहुत दमदार कैरेक्टर है. लाइक जब कभी कोई गलत करता है तो उसके फेस पे ऐसा दिखता है कि नहीं कुछ गलत कर रहे हैं. लेकिन ये मोहिनी का जो कैरेक्टर है, एकदम धाकड़ सी बिंदास सी लड़की का कैरेक्टर है, तो ये बहुत, मतलब थोड़ा अलग है. ये तो मैं बहुत बड़ा उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगी विष्णु प्रिया को, बिकॉज उनकी जो उम्र है, अपने उम्र के हिसाब से उन्होंने जो बुक लिखा है वो मतलब बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा लिखा है. आई हैव रेड दिस बुक. कितना, मतलब इसमें प्यारा लिखा हुआ है, जैसे लगता है कि लाइक किसी ने बहुत ही डीपली घुस के इसमें लिखा हुआ है और बहुत ही प्यारा लिखा हुआ है. तो इस फिल्म में एक्चुअली थोड़ा सा फिल्म से हटके भी है ये बुक, उसमें थोड़े से कैरेक्टर और भी ज़्यादा है. बट फिल्म आने के टाइम पे जब आप फिल्म बनाते हो तो उसमें थोड़ा आपको चीज़ें डालनी पड़ती हैं, बिकॉज वो जस्टिफाई नहीं होती हैं फिल्मों में. वीडियोग्राफी में और बुक में थोड़ा अंतर हो जाता है. तो मैं विष्णु प्रिया का, जब मैंने ये बुक पढ़ा तो मुझे लगा कि क्या, मतलब दम है लड़की में. इन्होंने एक और पहले भी बुक लिखी हुई है, द लास्ट लाफ ऑफ लीला, वो भी बहुत प्यारी है. लेकिन ये द हंड्रेड बक्स जो इन्होंने लिखा है, लोग पढ़ेंगे तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आने वाली है ये बुक. इसमें कुछ ये मुझे लगता है कि एक ऐसी फिल्म है जिसमें आप देखेंगे तो लगेगा ही नहीं कि फिल्म देख रहे हैं, ऐसा लगेगा कि रियल में कुछ देख रहे हैं. फिल्मी टाइप से इसमें कुछ नहीं है. मतलब वो कैरेक्टर ऐसा है कि डायलॉग भी और हर एक चीज़ मतलब नेचुरल वे में है, और एक लगेगा कि नहीं कहीं रियल में ऐसी चीज़ें हो रही हैं. फिल्म टाइप का लगेगा ही नहीं. बुक तो बुक ही होती है, बट जब आप फिल्म बनाते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें थोड़ी सी मैनेजमेंट करनी पड़ती हैं. तो ये फिल्म बहुत ही रियलिटी के क्लोज ही है, इसमें कुछ भी ऐसा फिल्मी नहीं है. और दुष्यंत जी के बारे में जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया आपको, मतलब लीड में कास्ट किया आपको, क्या कहना उनके बारे में? दोनों साझेदार. हाँ, सही बोल रहे हैं. एक्चुअली मैं उनको थैंक यू कहना चाहूँगी, बिकॉज फिल्में तो बहुत करेगा इंसान, मैं भी करूँगी, वो भी करेंगे, बट प्रॉब्लम ये है कि ऐसा कैरेक्टर लाइफ में, लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टर हों जो सिर्फ एक मुझे बढ़ावा दे रही हैं या जो मेरे ऊपर ही फिल्माया गया है, तो ऐसी फिल्में बहुत कम मिलेंगी मुझे लगता है. तो मैं इसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहूँगी, बिकॉज पहली फिल्म है और पहली फिल्म में इतना बड़ा कैरेक्टर, लाइक हीरो ही मैं हूँ. हीरो कह के मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि हीरो के बिना फिल्म नहीं चलती, बट बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है. मैं बहुत खुशनसीब हूँ और मैं मतलब बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे मेरी पहली फिल्म ऐसी है. मेरी एक्चुअली मेरी एक्टिंग का सफ़र कभी शुरू नहीं हुआ. मैं पढ़ाई में थी BBM बेंगलोर में, और वहाँ से चोरी चुप्पे में आई. चोरी चुप्पे मतलब मम्मी पापा को बताया तो था, बट उतना सपोर्ट नहीं था कि नहीं फिल्म इंडस्ट्री में. उनको लगता था मैं IAS ऑफिसर बनूँ या कुछ ऐसे पढ़ाई करूँ. बट जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने स्टार्ट किया, लाइक मॉडलिंग से स्टार्ट किया, प्रिंट मीडिया से स्टार्ट किया, बट दिल कहीं ना कहीं एक्टिंग में था. कि एक होता है ना, आपका शौक होता है, आप भले सेम इंडस्ट्री में हो लेकिन दिल है एक्टिंग तो एक्टिंग ही, आपका मॉडलिंग से मन नहीं भरता है. तो मैंने थिएटर ज्वाइन किया था, और फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे एक्टिंग में घुसी. धीरे कोशिश किया तो मैं सर को मिली और फिर फिल्म बन गई हमारी. ये जो गाना है मोनाली सच में काफ़ी अच्छा वायरल हो रहा है, काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, उसका एक्सपीरियंस कैसा था? अभी 2 मिनट पहले ही मिलियन में गया है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बिकॉज अभी तुरंत मैंने देखा है. और इसका बहुत ही अच्छा रिव्यू आ रहा है. लाइक जो भी देख रहा है ये वीडियो, उसको यही, उसके मुंह से यही निकल रहा है कि वाओ कितना अच्छा बनाया, वो गाया किसने? तो मैंने बोला मेरे जो डायरेक्टर हैं वही सिंगर भी हैं, और संतोष सिंह जी हैं. तो लोग बोले आवाज़ की भी बहुत तारीफ हो रही है इसमें. एक्चुअली क्या है कि हमारी दूसरी फिल्म भी आधी बन चुकी है, कौन हो तुम, तो वो फिल्म जो है लाइक मई में रिलीज़ होने वाली है,
और हमारी तीसरी फिल्म जो है वो पूरी लाइन अप है, लाइक उसको बस कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यही आगे का भी प्लान है, अभी सर के साथ जो भी प्लान है सर के साथ ही है कंटिन्यू। थैंक यू सो मच। हम और संतोष भाई तो मुरली से गा ही रहे हैं पिछले साल में। आगे आ जाते चलो। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है कि इस मेरी बुक पे मूवी आ रही है 100 बक्स 21 फरवरी को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मूवी को देखें ताकि हमारे समाज की सोच बदले। बहुत इम्पोर्टेंट है इस मूवी को देखना, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, सबकी सोचने का तरीका बदलेगा। अभी हमने देखा ऑनलाइन कि चंडीगढ़ में और करनाल में बहुत आपकी फिल्म को लेके एजिटेशन हो गया, इसके लिए क्या कहेंगे आप? मुझे तो मैं हतप्रभ हूँ, इवन मैं कविता से बात कर रहा था, संतोष भाई जैद इवन गुलगुल विश्वप्रिया ऑल्सो वरीड। मेरी फिल्म का किसी ने ट्रेलर देखा नहीं, किसी ने प्रोमो देखा नहीं, बिकॉज वहाँ जो मैं देख रहा था उनके तरीके, वो जो बोल रहे थे तो ऐसा कुछ है ही नहीं। और मेरी फिल्म में मैं मतलब आपको फिर बोलता हूँ कि इस फिल्म को लोग इसलिए याद रखेंगे कि टैबूज पर ये फिल्म बनी है, और इस फिल्म को अपनी मम्मा, अपनी बेटी, अपनी बहन, अपने दोस्त सबके साथ, अपनी वाइफ सबके साथ देखने जा सकते हैं, और आपको बहुत खुशी होगी। और जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ लोग ये फ़ोन भी मेरे पास आए हैं, तो हम लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं, और अल्टीमेटली हर प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो बातचीत है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं एक या दो दिन में, और मैं ज़रूर इस सब ये सब चीज़ों को पे हम लोग उनको एक पॉजिटिव उनका हम व्यूज़ हासिल कर सकेंगे। और क्योंकि मैं थोड़ा हम लोग समाज सेवा से भी जुड़े हुए, तो हो सकता है शायद इसीलिए कोई विरोध प्रदर्शन हो रहा हो, तो मैं कंटिन्यू लोगों के टच में हूँ। एंड आई होप कि इस द 100 बक्स बुक को और हमारी फिल्म को इंडिया वाइड नहीं वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा प्रसाद मिलेगा। आपकी फिल्मों में कुछ डायलॉग कट मिले हैं आपको, फिल्म विदाउट कट पास हुई है, तो कौन से डायलॉग हैं जो इस पे कैंची चलाई है? ये ऐसी फिल्म है जिसमें एक भी कट नहीं है, एक भी कट नहीं हुआ, कुछ डायलॉग्स में जरूर था, क्योंकि एक रात का सफर है, कुछ गाली गलौज होती है, कुछ पुलिस वालों का हमने सोचा कुछ रियलिस्टिक रख देते हैं जैसे हम जाते हैं, तो बट सेंसर ने कहा कि नहीं ये हटा दीजिए, तो हम लोगों ने उसे हटा दिया उस चीज़ को। और हमको सम्मान करना चाहिए, कोई भी गाइडलाइन है अगर गवर्नमेंट की तो हमें सम्मान करना चाहिए। जिस टॉपिक पे बनी फिल्म, उन लोगों को दिखाने का कुछ प्लान है आपको? मैंने इसीलिए मेरी जब बात हुई, मेरे पास कुछ संगठनों के फ़ोन आए, मैं पर्टिकुलरली किसी धर्म विशेष की बात नहीं करता हूँ, तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपको कुछ भी बोलने से पहले मैं उनसे बात करूँगा जिनके ऊपर फिल्म बनाई है। तो हम आने वाले एक दो दिन में स्पेशली एक शो रखने वाले हैं हमारे समाज के इस वर्ग के लिए, और मैं पहले उनकी ब्लेसिंग्स लूँगा, उनसे पूछूँगा कि आप बताइए कि अगर वो कहेंगे, अगर वो ये कहेंगे फिल्म मत करो तो मैं रिलीज़ भी नहीं करूँगा फिल्म, और अगर वो पास करते हैं तो मेरे लिए सबसे बड़ा सेंसर वो लोग हैं, और उसके बाद मैं ज़रूर उन लोगों की फिल्म दिखाऊंगा, उनसे बात करूंगा। एंड आई होप 21 को हम सब लोग सेलिब्रेट करेंगे द 100 बक्स। आप क्या कहेंगे कैमरा? मूवी देखेंगे तो सबसे बड़ा सेंसर हमारे लिए ये है, क्योंकि हम लोगों ने इसी वर्क के लिए मूवी बनाई है, और आज तक बॉलीवुड में कई बार इस वर्क के लिए मूवी बनाई गई है, पर किसी ने इस वर्क का ये पहलू नहीं छुआ जो हमने इस मूवी में दिखाने की कोशिश की है। हम लोगों को लगता है कि उन लोगों के लिए बहुत इजी मनी है, वो इजी मनी नहीं है, बहुत मेहनत करके बहुत तकलीफ़ों को झेल के वो इस तरह का पैसा कमाते हैं, और हमने यही बताया है कि आखिरी में उनके पास कुछ नहीं बचता। तो ये 100% की बात है, ये 100% नाम भी रखा गया है कि 100 बक्स। मैं यही कहूँगी हो जाने दो यार रिलीज़, क्यों परेशान कर रहे हो, मेरी पहली फिल्म है और ज़्यादा टाइम नहीं है, क्यों मेरे किस्मत पे ताले लगा रहे हो? हिंदुस्तान के लोग बहुत प्यारे हैं, और हम लोग सर्वधर्म संभाव, और एक कहते हैं अनेकता में एकता वाला है, तो ज़रूर हम लोगों को अपने लोग, मैं एज एन डायरेक्टर ये बोल रहा हूँ, सॉरी कविता की बात काट के, कि हम लोग ऐसे एक परिवेश से आते हैं तो यहाँ पे सबको अपनी बात कहने का हक है, ये भी खूबसूरती है लोकतंत्र की। और आप बिलीव रखिए मैं बहुत जल्द आपके पास आ रहा हूँ, आपसे मेरी बातें होंगी, फ़ोन पर खूब बातें की हैं मैंने, बातें होंगी, और हम आपको खुश करने के बाद ही हम अपनी खुशी एंटरटेन करेंगे। आप क्या कहेंगे?
हाँ मोनालिसा बहुत बड़ा हिट हो गया, बहुत बहुत खुशी है मुझे और दुष्यंत प्रताप सिंह जी को, कविता जी को और जैद भाई को, सबको बहुत बहुत बधाई। सब लोग हम एक ही टीम का हिस्सा हैं और सबसे हाथ जोड़ के यही विनती है प्लीज़ इस फिल्म को रिलीज़ होने दें। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप पहले फिल्म को देख लें उसके बाद विरोध करें।